हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स और दोनों के बीच में डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। इसमें हम सिंपली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अच्छे से समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा जिससे आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो और आपको उससे प्रॉब्लम ना हो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट हम देखेंगे ग्रोथ। ग्रोथ इज़ डिफाइंड एज फिज़िकल डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है? एक फिज़िकल डेवलपमेंट है, मीन्स इंक्रीज इन साइज, एज, हाइट, वेट। ठीक है, आपकी बॉडी में साइज, एज, हाइट, वेट, किसी भी चीज़ के इंक्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। किसी भी टाइप में बढ़ रहा हो, चाहे लंबाई में बढ़ रहा हो, आप मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, ये क्या आएगा? आपकी ग्रोथ में आएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड लॉरी। इन्होंने क्या बोला है? ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन फिज़िकल साइज ऑफ द होल और एनी ऑफ इट्स पार्ट। ठीक है, इसमें क्या इन्होंने बताया ग्रोथ का मीनिंग? कि फिजिक में किसी भी टाइप का ग्रोथ, फिर वो चाहे पूरी बॉडी में आपकी ग्रोथ हो रही हो या किसी बॉडी पार्ट में आपकी ग्रोथ हो रही हो, वो किस में आता है? ग्रोथ में आता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज़ ऑल आस्पेक्ट, फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इंटेलेक्चुअल, ईटीसी। ठीक है, डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? जो आप में प्रॉपर पूरी तरह से हर वे में आप में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आप उसमें डेवलप कर रहे हो, वो आते हैं। ठीक है, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे वो आपका मेंटली हो, इमोशनली हो, किसी भी टाइप के चेंजेस, ठीक है, वो आपके डेवलपमेंट में आएंगे। According to Frank, development refers to the changes in organism as a whole. ठीक है, यहाँ पे whole होगा। अब हम देख लेंगे types of development. तो यहाँ पे आपके 5 types दिए हुए हैं। Physical development, जो कि आपकी body की growth पे depend करता है, ठीक है, उसे हम physical development कहते हैं। Then है intellectual development, जो आपकी understanding ability होती है, सोचने की क्षमता, communicate करने, reasoning and all, ये सब हमारे किस में आते हैं? Intellectual development में आते हैं। Then है आपका social development, जिसमें हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटी की तरह तरह की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, वहाँ से एक्सपीरियंस लेते हैं, सीखते हैं, उससे जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा क्या होता है? वो सोशल डेवलपमेंट होता है। देन इमोशनल डेवलपमेंट, हमारी फीलिंग्स एंड इमोशंस में जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है। देन हमारा आता है मॉरल डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, सही गलत की समझ, हमारा व्यवहार, ये सब हमारा मॉरल डेवलपमेंट में आता है। नेक्स्ट हम डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे। अगर अभी भी कोई डाउट होगा तो वो आपको डिफरेंसेस देखने के बाद क्लियर हो जाएगा, और अगर क्लियर नहीं होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फर्स्ट है ग्रोथ रिफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट लाइक इंक्रीज इन हाइट, वेट, लेंथ, साइज, ईटीसी। अभी जब मैंने मीनिंग बताई थी तब आपको बताया था ना कि ग्रोथ जो क्या होता है, ये सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट पे ही फोकस करता है कि आपका हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, साइज बढ़ रही है ना। अगर हम बात करें डेवलपमेंट में, तो इट रिफर्स टू ऑल एस्पेक्ट लाइक फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, ईटीसी। जो हमारी ग्रोथ है वो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को लेती है, लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट है वो सारे एस्पेक्ट लेती है, चाहे फिर वो फिजिकल हो, कॉग्निटिव, मतलब ओवरऑल जो हमारे चेंजेस आता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं। ग्रोथ क्या होती है? इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, हाइट का बढ़ना, मोटा पतला होना या साइज़ का बढ़ना, ये क्या होता है? एक नेचुरल प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट हमारा नेचुरल और सोशल दोनों प्रोसेस होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑल एस्पेक्ट शामिल होते हैं, फिर चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो लैंग्वेज हो या इमोशनल हो। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होता है? ये नेचुरल और सोशल दोनों प्रोसेस होता है। थर्ड है इट स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी इज़ अटेंड। ग्रोथ क्या होती है? एक समय के बाद में क्या होती है? स्टॉप हो जाती है। जब मैच्योरिटी आ जाती है तो ग्रोथ क्या होती है? स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो इट गोज फ्रॉम वोम टू टूम, मतलब कि ये माँ के पेट से स्टार्ट होती है और कब्र में जाने तक ये
चलती ही रहती है, मतलब ये हमेशा आप डेवलप करते ही रहते हो, इसका कोई एंड नहीं है। ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर एंड डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर। ग्रोथ क्या होती है? क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है, इसीलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे मेज़र कर सकते हैं। अभी जब मैंने आपको ग्रोथ की मीनिंग बताई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ इज़ मेज़रेबल, इसको मेज़र किया जा सकता है। लास्ट है आपका ग्रोथ इज़ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इज़ वाइडर। डेवलपमेंट क्या है? एक वाइडर फॉर्म है, ठीक है, और जो ग्रोथ है वो इसका एक पार्ट है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि डेवलपमेंट में क्या होते हैं, ऑल एस्पेक्ट्स होते हैं, सभी एस्पेक्ट्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट है। और यहाँ पे आपने अभी देखा होगा कि फिजिकल एस्पेक्ट आपका डेवलपमेंट में भी मेंशन है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ग्रोथ क्या है, एक पार्ट है डेवलपमेंट का, ठीक है। आई होप अभी आपको ये क्लियर हो गया हो, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं हो। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। अब हम बात कर लेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके कुछ प्रिंसिपल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम उस पर बात करेंगे। फर्स्ट है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ चेंजेस। अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ चेंजेस की बात करूँ तो जो ह्यूमन बीइंग होता है उसकी लाइफ में चेंजेस लगे ही रहते हैं। जन्म से लेकर मरने तक जो ह्यूमन होता है वो चेंजेस से ही गुजरता रहता है, फिर चाहे वो उसकी साइज से रिलेटेड बदलाव हो, मेंटल, मोरल या बिहेवियर, किसी भी टाइप के चेंजेस जो होते हैं वो उसको फेस करने पड़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। अगर मैं बात करूँ तो जो डेवलपमेंट्स होते हैं सभी टाइप के, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो या इमोशनल हो, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इसमें अगर मैं कहूँ तो अगर हम अपनी बॉडी को देखते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होता है, जो ऑल पार्ट्स होते हैं बॉडी के वो एक साथ ही ग्रो नहीं करने लगते हैं, ठीक है। पहले हमारा माइंड डेवलप होता है, वो ग्रो करता है, फिर हमारे हाथ पैर बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, बढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से धीरे धीरे टाइम टू टाइम जब उसका स्पेसिफिक टाइम होता है या जिस हिसाब से हमारे बॉडी पार्ट्स ग्रो करते हैं उस अकॉर्डिंग से उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, ठीक है। एक साथ ही सब कुछ ग्रो नहीं कर जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है। अभी जब मैंने आपको डिफरेंस बता रही थी तो उसमें बताया था कि इट गोज़ फ्रॉम वूम टू टूम, मतलब कि जन्म से शुरू होता है और मरते दम तक चलता ही रहता है। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन, मतलब कि जो चाइल्ड होता है उसको प्रॉपर एंड सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो एंड डेवलप कर सके, ठीक है। जितना ही वो ज़्यादा इंटरैक्ट होगा उतना ही ज़्यादा वो ग्रो एंड डेवलप करेगा। लास्ट पॉइंट है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। अगर मैं कहूँ तो ये प्रिंसिपल कहता है कि जो चाइल्ड होता है वो जर्नल एक्टिविटीज से स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ता रहता है, ठीक है। तो आज के हमारे जो टॉपिक्स थे वो यहीं पर ख़त्म होते हैं।